और आप फिर मंच के पीछे जो क्रम कल निर्धारित किया गया था उस तरह से आप वहीं खड़े रहेंगे जब तक कि ग्रुप फोटोग्राफी संपन्न न हो जाए। ग्रुप फोटोग्राफी का भी हमने कल क्रम निर्धारित किया था, जो विद्यार्थी कल रिहर्सल के समय उपस्थित नहीं थे उनको अभी डॉक्टर रीना सिंह और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह समझा रहे हैं, डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी उनको उनके क्रम के अनुसार उनको प्रशिक्षित कर रही हैं। हमारे बीच में श्रीमान विपिन बलूनी जी पधार चुके हैं, मैं आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बलूनी क्लासेस की, काफ़ी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का। मैं श्रीमान विपिन बलूनी जी का दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दूरदर्शन के हमारे पत्रकार मित्र गणेश गोक्षाल जी गणी भाई पधार चुके हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सरकार से हमारे बीच में उपस्थित हैं मैं डॉक्टर प्रथम दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विभिन्न समाचार पत्रों के हमारे पत्रकार मित्र चैनल के मीडिया प्रोफेशनल्स का मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो दीक्षा कुलाधिपति महोदय के द्वारा हमारे उपाधि प्राप्तकर्ताओं को और स्वर्ण पदक विजेताओं को आज दी जाएगी वह दीक्षा उपनिषद शिक्षा और ज्ञान की परंपरा भारतीय संस्कृति में आदिकाल से चली आ रही है। उत्तराखंड देवभूमि आदिकाल से ही ज्ञान और कला का, ज्ञान और संस्कृति का, आध्यात्म का केंद्र रहा है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आचार्य द्रोण की तप भूमि कर्म भूमि देहरादून में अवस्थित देहरादून विश्वविद्यालय आज अपने मेधावियों को अपने स्थापना के वर्ष से वर्ष 2016 तक के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में उपाधि प्राप्तकर्ता तथा पीएचडी उपाधि धारकों को दीक्षा एवं उपाधि से अलंकृत करने का ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होने को है। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है जो मंच के और पंडाल के बाहर खड़े हैं कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। छात्र वॉलंटियर्स कर्मचारी भाई और शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारे अतिथियों को उनके लिए जो आरक्षित जगह दी गई है उनको वहाँ बैठाने का कार्य करें। कुछ ही क्षणों में हमारे समक्ष माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला हम सबके समक्ष पधार चुका है और जैसे ही माननीय कुलाधिपति हमारे समक्ष उपस्थित होंगी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मंद्रवाल की अगुवाई में शैक्षणिक परियात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि शैक्षणिक परियात्रा के समय हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तब तक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक राष्ट्रगान संपन्न न हो जाए। परम सौभाग्य का विषय है कि दून विश्वविद्यालय आज पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है और इस दीक्षांत समारोह में मेधावियों को स्वर्ण पदक से अलंकृत करने का कार्यक्रम के साथ साथ पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि प्रदान की जाएगी।
और इसे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए राज्य के ऊर्जावान जनप्रिय नेता एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी हम सबके समक्ष पधार चुके हैं। कल शाम को भी आपने पूरी तैयारियों का पूरी बारीकी से जायजा लिया, उसका निरीक्षण किया और हमेशा हर कार्यक्रम में उत्साहवर्धन के लिए माननीय मंत्री महोदय समय से काफ़ी पहले पहुँच करके आयोजकों की हौसला अफजाई करते हैं। मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान डॉक्टर धन सिंह रावत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे समक्ष उत्तराखंड के संस्कृति को देश और दुनिया में संवर्धित संरक्षित एवं प्रसारित करने वाले सुप्रसिद्ध लोक गायक श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी पधार चुके हैं, जिन्हें आज मानद की उपाधि से अलंकृत किए जाने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्रीमान प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से श्रीमान प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्रीमान प्रोफेसर यूएस रावत जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं माननीय प्रोफेसर यूएस रावत जी का दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैडम नरेंद्र सिंह नेगी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैडम नरेंद्र सिंह नेगी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं को जो क्रम बताया गया है स्वर्ण पदक विजेता उसी क्रम से मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। डॉक्टर सुथार और डॉक्टर स्मिता त्रिपाठी से मेरा निवेदन है कि यदि आपकी लिस्ट फाइनल हो गई हो तो कृपया स्वर्ण पदक विजेताओं की लिस्ट हम तक पहुंचाने का कष्ट करें। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी यदि लिस्ट फाइनल हो गई हो तो जरा एक यहां भिजवा दीजिए। कुछ ही क्षणों में शैक्षणिक परियात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अगुवाई में मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी। परियात्रा के क्रम में सबसे आगे कुलसचिव, उसके पीछे विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, विद्या परिषद के माननीय सदस्यों के पीछे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्यों के साथ साथ संकाय अध्यक्ष, उनके पीछे विश्वविद्यालय कोर्ट के माननीय सदस्यगण, उनके पीछे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय के पीछे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पीछे माननीय कुलाधिपति महोदय और अंत में उनके परिसहाय सम्मिलित होंगे और इसी प्रकार शोभा यात्रा मंच की ओर अग्रसर होगी। मानद उपाधि से अलंकृत किए जाने वाली विभूतियाँ भी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ परियात्रा में सम्मिलित होंगी और मंच की ओर अग्रसर होकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान डॉक्टर धन सिंह रावत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय हमारे समक्ष उपस्थित होंगी। जैसा मैंने जिक्र किया कि ये पूरा दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एवं मीडिया स्टडीज़ के विद्यार्थी एवं शिक्षकों की मदद से इसका सीधा प्रसारण ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जो देश और दुनिया के भूभाग में कहीं से भी जिसको सीधा प्रसारण का हम आनंद ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मुकेश देवराणी से मेरा निवेदन है कि वे सभी पत्रकार बंधुओं को उनके लिए जो स्थान आरक्षित किए गए हैं ताकि वो समय पर अपने कैमरे वगैरह सेट कर लें, जिससे फोटोग्राफी में किसी प्रकार की रुकावट या कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। डॉक्टर मुकेश देवराड़ी से मेरा निवेदन है कि पत्रकार बंधुओं के लिए जो सीट आरक्षित किए गए हैं उनको वहाँ बैठाने का कार्य करें। छात्र वॉलंटियर से मेरा पुनः निवेदन है कि जो अतिथि हमारे आमंत्रण पर इस दीक्षांत समारोह में पधार रहे हैं उनको उनके लिए आरक्षित स्थान पर बैठाने का कार्य करें।
though this video has been removed. But I guess right. Remove diya yaar. Video remove hui. Dagre kaun sa hai? Link to dal yaar. Hello. Hello. करती 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 करो करती करो नहीं ये तो देखना साफ बोल रहे हैं यार पुलिस से वो सच्ची बोल रहे हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की अगुवाई में उत्तराखंड की उच्च शिक्षा नित रोज कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है. अभी पिछले माह देश में पहली बार ज्ञान कुंभ का आयोजन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देश पर पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया. उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित ज्ञान कुंभ में देश के विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्री, विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा सचिव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया. दो दिनों के इस ज्ञान कुंभ के मंथन का ये परिणाम रहा कि आने वाले दिनों में देश और हिंदुस्तान की उच्च शिक्षा के नीति निर्धारण में उत्तराखंड ने जो नेतृत्व की भूमिका निभाई है वह माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के दूरदृष्टि एवं दूरदृष्टा नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है. मैं एक बार पुनः दोनों विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. साथ ही न्यूज़ 18 के हमारे पत्रकार मित्र श्रीमान दीपांकर भट्ट जी हमारे बीच पधार चुके हैं. मैं दीपांकर भट्ट जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर दीपक भट्ट जी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अनिता रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं. मैं उनका दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. दून विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में की गई लेकिन इसका प्रथम अकादमिक सत्र वर्ष 2009 में प्रारंभ हुआ और इस प्रकार स्नातकोत्तर कक्षा का पहला बैच वर्ष 2011 में उत्तीर्ण हुआ. स्थापना के समय से अब तक कुल 8 बैचेस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं से उत्तीर्ण हो चुके हैं. यह दीक्षांत समारोह 2011, 2012, 2013, 2014, 15
एवं 16 तक के स्नातकोत्तर स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए आयोजित किया गया है। वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में 8 स्कूल संचालित हैं, जिसमें स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर नित्यानंद शोध एवं अध्ययन केंद्र में जियोलॉजी और ज्योग्राफी के पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं कार्य परिषद से अनुमोदित होकर के उत्तराखंड सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। उपाधि प्राप्तकर्ताओं को माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा जो दीक्षा प्रदान की जाएगी, वह दीक्षा हमारी ऋषि परंपरा वैदिक परंपरा के अनुसार तैत्रीय उपनिषद से ली गई है। गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल की परंपरा काफ़ी पुरानी है, बहुत समृद्ध है, और यही कारण है कि देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति, इसकी सभ्यता आज भी अपनी विशिष्टता के लिए पहचानी जाती है, और उसी का आप वो रूप देखेंगे जो आज माननीय कुलाधिपति महोदय अपने विद्यार्थियों को जो दीक्षा देंगे, ताकि जीवन भर हमारे विद्यार्थी उन संस्कारों से बंधे होकर के देश और दुनिया में अपनी मेधा के दम पर भारतवर्ष का, उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। दोनों विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं के अभिभावकों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे समक्ष महान शिक्षाविद, महान वैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी मेधा देश और दुनिया में स्थापित की, ऐसे महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान शिक्षकों का, ऐसे महान शिक्षाविदों का आशीर्वाद इस दीक्षांत समारोह में हम सभी शिक्षकों को, हमारे विद्यार्थियों को, मेधावियों को प्राप्त होने जा रहा है। कई विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हमारे समक्ष आज इस दीक्षांत समारोह का गवाह बनने के लिए और हमारे उपाधि प्राप्तकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। मैं सभी माननीय कुलपति महोदयों का, माननीय शिक्षाविदों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह परम सौभाग्य का विषय है कि वर्तमान में दून विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल स्वयं में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध वैज्ञानिक हैं। प्रोफेसर नौटियाल साहब का कुलपति के रूप में नेतृत्व देना इस विश्वविद्यालय और उत्तराखंड के लिए एक गौरव का विषय है। विशेष तौर पर शिक्षकों और छात्रों के लिए यह काफ़ी प्रेरणादायक नेतृत्व माननीय कुलपति महोदय के द्वारा पिछले 10 महीनों के कार्यकाल में काफ़ी आमूलचूल
परिवर्तन और कार्यक्रम एवं कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं, जिनमें लोक भाषा उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा और उसकी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए एक लोक भाषा केंद्र की स्थापना का कार्यक्रम विगत 12 नवंबर को विद्या परिषद में अनुमोदित करा के दिया गया और वह केंद्र कार्य परिषद से भी अनुमोदित हो चुका है। उस सेंटर के बनने के बाद, उस केंद्र के बन जाने के बाद उत्तराखंड की भाषा बोली संस्कृति के संरक्षण को निश्चित रूप से बल मिलेगा और दून विश्वविद्यालय उस केंद्र के रूप में भी अपने आप को स्थापित करने की ओर माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में अग्रसर है। साथ ही डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र के अंतर्गत इस 12 नवंबर की अकादमिक परिषद की बैठक में एमए एमएससी जियोलॉजी और एमए एमएससी ज्योग्राफी के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करा लिया गया। कार्य परिषद ने भी यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है और मुझे लगता है कि आगामी सत्र से जियोलॉजी ज्योग्राफी और लोक भाषाओं के शोध एवं अध्ययन का कार्यक्रम दून विश्वविद्यालय परिसर में प्रारंभ हो जाएगा, जिससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य पूर्ण होने की दिशा में हम एक कदम और अग्रसर हो पाएंगे। उत्तराखंड की मेधा देश और दुनिया में अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए जानी जाती है और दून विश्वविद्यालय राज्य की सुदूर अंचलों से उन मेधाओं को तराशने का, उनको निखारने का कार्य कर रहा है। अपनी स्थापना से लेकर के अब तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं देश के विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न उद्यमों में कार्यरत हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हें समाज और देश की आवश्यकता के अनुरूप वो शिक्षा प्रदान करने में कुछ हद तक सक्षम हो पाए हैं। माननीय कुलपति महोदय की इच्छा है कि देश और दुनिया के आदर्श विश्वविद्यालयों में दोनों विश्वविद्यालय की गिनती हो जाए, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों के शिक्षाविदों से जुड़ने का, समाज से जोड़ने का पुनीत कार्य माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में पिछले 10 माह से अनवरत जारी है। मुझे आपसे साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दोनों विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेंडर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के सामान्य अकेडमिक कैलेंडर से ज़्यादा कार्य दिवसों का है और वह इसलिए बनाया गया ताकि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक अधिकतम अकादमिक कार्यक्रम संचालित कर सकें और अकादमिक क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे आमंत्रण पर राज्य के महान शिक्षाविद, जिन्होंने दुनिया में और देश में उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया, ऐसे महान वैज्ञानिक प्रोफेसर ए एन पुरोहित साहब, मैं बार बार आपका अभिवादन करते हुए अपने आप को खुद ही अभिप्रेरित और ऊर्जावान महसूस करता हूं। आज तो सूचना तकनीकी का दौर है, आज तो गूगल गुरु के माध्यम से कई सूचनाएं हमारे शोधार्थियों को, शिक्षकों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन आपने ऐसे दौर में उत्कृष्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्यक्रम संचालित किए, भौगोलिक दृष्टि से इतनी दूर आपने केंद्र स्थापित किया, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में देश की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी उपलब्धियों को देखते हुए आपको देश का चतुर्थ सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से आज से लगभग 2 से भी अधिक दशक पूर्व आपको अलंकृत किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे विद्यार्थियों को आप आशीर्वाद देने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रोफेसर ए एन पुरोहित साहब, मैडम ए एन पुरोहित साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हेमोतिनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षाविद उपस्थित हैं, प्रोफेसर एस एस रावत, प्रोफेसर काला साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, लगभग पिछले 4 से भी अधिक दशकों से अकादमिक प्रशासनिक सेवा में कार्यरत श्रीमान डॉक्टर यू एस रावत जी ने अपना करियर महामना की धरती और कर्मभूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया और पिछले 6 वर्षों से श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैं श्रीमान डॉक्टर यू एस रावत साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भारतीय संस्कृत और दर्शन के ज्ञाता, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी, जिनको देख के ही लगता है कि एक महान भारतीय परम्परा के संत ऋषि तुल्य माननीय आचार्य प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
और माननीय दीक्षित साहब हमेशा इस बात की पैरी और इस बात के पैरोकार होते हैं कि भारतीय संस्कृति को हम बढ़ चढ़ करके अपने छात्रों में इसको संस्कारित करने का कार्य करें। आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारी जो दीक्षा माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दी जाएगी वह हमारे उपनिषदों से ही ली गई है, जो दर्शाती है कि भारत की ज्ञान परंपरा आज और कल की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है, युगों पुरानी है। उसी परंपरा के अनुरूप गुरुकुल की परंपरा को आज भी हम निर्वाह कर रहे हैं और उसी का यह फल है कि भारत की मेधा, भारत के युवा देश और दुनिया में इंडियन टैलेंट आईटी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, कृषि जगत में, विज्ञान चिकित्सा जगत में एवं देश के दूसरे विधाओं में अपने आप को प्रतिस्थापित कर चुके हैं। और इन सब के पीछे महान शिक्षाविद माँ सरस्वती के व्रत पुत्रों का विशेष योगदान है। मैं उन सभी महान शिक्षकों का अभिवादन करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे संस्कारवान विद्यार्थी तैयार किए हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस दीक्षांत समारोह में लोक कला के क्षेत्र में भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में उत्तराखंड की विशाल संस्कृति को संरक्षित करके, उसके प्रसारित करके, उसके संवर्धन का कार्य कर रहे माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किए जाने का भी कार्यक्रम है। Thank you.
शोभा परियात्रा का क्रम सबसे आगे विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मंगल सिंह मंद्रवाल, उनके पीछे विश्वविद्यालय के विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, माननीय विद्या परिषद के सदस्यों के पीछे विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय सदस्यों के पीछे विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्षों के पीछे विश्वविद्यालय कोर्ट के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय कोर्ट के माननीय सदस्यों के पीछे
विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय के पीछे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी, पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, और अंत में माननीय कुलाधिपति महोदय और उनके पीछे एडीसी कुलाधिपति महोदय। यह क्रम शैक्षणिक परियात्रा का मंच की ओर प्रस्थान के समय का है और कार्यक्रम समारोह के समापन के उपरांत वापसी में परियात्रा के प्रारंभ में राजभवन से फोन है, जरा बात करिए। हाँ, मैंने कर दिया, वो बना दिया। हेलो, वो जो याद दिया था ना कि कुलाधिपति जी देंगे, वो कर दिया है प्रिंट आउट। हाँ, खुल गया। माननीय कुलाधिपति महोदय हम सबके समक्ष पधार चुके हैं, साथ में उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कुछ ही क्षणों में शोभा यात्रा मुख्य द्वार से मंच की ओर प्रस्थान करेगी। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के परियात्रा का अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मेरा सभी अतिथियों से, विद्यार्थियों से, पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या वाइब्रेशन साइलेंट मोड में कर दें, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। आज इस दीक्षांत समारोह में हमारे विद्यार्थियों को, स्वर्ण पदक विजेता मेधावियों को आशीर्वाद देने के लिए और विश्वविद्यालय परिवार की हौसला अफजाई के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति महोदय हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, सुप्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक श्रीमान प्रोफेसर हेमचंद पांडे जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप कृपया अपना स्थान जो आपके लिए आरक्षित किया गया है वहां बैठने का कष्ट करें। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर हेमचंद पांडे साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विभिन्न समाचार पत्रों के ब्यूरो प्रधान, उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। अमर उजाला से आफ्ताब जी पधार चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न चैनल्स के हमारे मीडिया प्रोफेशनल्स दीपांकर भट्ट जी और उनकी टीम और कई पत्रकार मित्र हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दीपांकर जी का और सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी डॉक्टर मुकेश देवराड़ी से मेरा निवेदन है कि सभी पत्रकार बंधुओं के उनके लिए जो आरक्षित जगह की गई है वहां बैठाने का कार्य करें, ताकि हमारे पत्रकार मित्रों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। जो पीछे खड़े हैं हमारे विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप
पंडा वो सभाकक्ष में अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। कोई भी हमारे छात्र वॉलंटियर्स शिक्षक या कर्मचारी या हमारे अतिथि, मेरा पुनः निवेदन है कि कृपया आप खड़े न रहें, क्योंकि परियात्रा के दौरान कोई भी आवागमन किसी प्रकार का भी वो अनुमन्य नहीं है। सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि आप कृपया बाहर खड़े न रहें, आप कुर्सियों में अपना स्थान ले लें। मीडिया के मित्रों से, विश्वविद्यालय के छात्र वॉलंटियर्स, हमारे उपाधि प्राप्तकर्ता, हमारे अतिथिगण, स्वर्ण पदक विजेताओं के हमारे उनके अभिभावक, उन सब से मेरा निवेदन है कि कृपया परियात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अगुवाई में प्रारंभ होने को है। एक बार पुनः सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि अपने मोबाइल फ़ोन को आप वाइब्रेशन या स्विच ऑफ मोड में कर दें और किसी प्रकार का भी आवागमन कृपया इसको रोक दें। आप सभी से पुनः निवेदन है कि आपके लिए जो सीट आरक्षित की गई है, आप वहाँ बैठने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, विश्वविद्यालय के कोर्ट के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, हमारे समक्ष मंच के दाहिनी ओर और पंडाल के बाईं ओर जहाँ से परियात्रा प्रारंभ होनी है, वहाँ पर पारंपरिक गणवेश में तैयार हैं। उत्तराखंड का यह गणवेश सभी विश्वविद्यालयों में उत्तराखंड की विशाल सांस्कृतिक परंपरा और उसकी व्यापकता को प्रदर्शित करते हुए आज हमारे विश्वविद्यालय के विधायी समितियों के माननीय सदस्यगण, हम सबके समक्ष कुछ ही क्षणों में परियात्रा के दौरान वो झलक देखने को मिलेगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब परियात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अगुवाई में जब प्रवेश करेगी, तो आप हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर के शोभा यात्रा का अभिनंदन करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, और तब तक हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक कि राष्ट्रगान संपन्न न हो जाए। समारोह के समाप्ति के उपरांत भी दीक्षांत समारोह जब संपन्न होगा, उसके उपरांत राष्ट्रगान के बाद हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और तब तक अपने स्थान पर खड़े बने रहेंगे जब तक परियात्रा वापस के लिए सभाकक्ष से प्रस्थान न कर जाए। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, अनुरोध है उपाधि प्राप्तकर्ताओं से, अतिथियों से, कि वे कृपया उनके लिए जो सीट आरक्षित की गई है वहाँ बैठने का कष्ट करें। मंच पर सिर्फ स्वर्ण पदक विजेता हमारे मेधावी कुलाधिपति महोदय से स्वर्ण पदक और सर्वोच्च अंक प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। उपाधियाँ कल ही वितरित कर दी गई थी। PhD और स्नातकोत्तर एवं स्नातक विद्यार्थियों को कुलाधिपति महोदय के करकमलों से उपाधियाँ वितरित की जाएंगी। जिस संकाय के विद्यार्थी, जब उनको अग्रसर के लिए निर्देश दिया जाएगा, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स के PhD के अभ्यर्थी, उसके पश्चात स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के PhD के अभ्यर्थी, उसके बाद प्रास्नातक, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी खड़े होंगे, और अंत में स्नातक के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने के लिए अग्रसर कराया जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब आपको बुलाया जाए, आप अपने स्थान पर खड़े होकर के अपनी उपाधि प्राप्त करेंगे, और जब आपको निर्देश दिया जाएगा तो आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। स्वर्ण पदक धारकों के लिए हमने कल रिहर्सल के दौरान समझाया था कि वे मंच पर ही पीछे की तरफ चले जाएंगे और ग्रुप फोटो के लिए फिर उनको माननीय कुलाधिपति, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अतिथियों के साथ मंच की ओर अग्रसर करना होगा, और वही उसी क्रम से फिर वापस अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे। कुछ ही क्षणों में परियात्रा माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय परियात्रा में सम्मिलित होने के लिए गाउन पहन रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलसचिव की अगुवाई में परियात्रा तैयार है, कुछ ही क्षणों में मुख्य द्वार से सभाकक्ष की ओर प्रवेश करेगी। मैं समझ रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी, क्योंकि जो 2011 से लेकर के 2016 बैच के हैं, उनका भी एक तरह से ये पुरातन छात्र सम्मेलन का भी कार्यक्रम एक तरह से है, और काफ़ी उत्साह और जोश में हमारे विद्यार्थी बड़े लबरेज हैं, और इसलिए अनाउंसमेंट कहीं सुनाई नहीं दे रहा, उनकी आवाज़ ही ज़्यादा है। तो मेरा सभी उपाधि प्राप्तकर्ता और स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाएँ,
और जब दीक्षांत समारोह समापन होगा उसके उपरांत स्वर्ण पदक विजेता हमारे मेधावियों से मेरा निवेदन है कि वो यहीं बने रहेंगे, क्योंकि पत्रकार बंधु उनके फोटोग्राफ और उनका इंटरव्यू लेंगे। स्वर्ण पदक विजेता परियात्रा के उपरांत भी मंच पर आ जाएंगे, जब परियात्रा सभाकक्ष से बाहर चले जाए, जब हमारे अतिथि यहाँ से प्रस्थान कर जाएँ, उसके बाद जो स्वर्ण पदक विजेता हमारे मेधावी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो यहीं सभाकक्ष में बने रहेंगे, ताकि हमारे समाचार पत्रों के चैनल्स के हमारे प्रतिनिधि मीडिया के मित्र उनकी फोटोग्राफी ले सकें और वो कल के अखबार में मुख्य रूप से प्रकाशित हो सके। आपका साक्षात्कार भी लेंगे, देश और दुनिया के कल्याण के लिए आपकी क्या योजना है, और हो सकता है कि आपके मेडल से अलंकरण के दौरान कुलाधिपति महोदय आपका साक्षात्कार भी करें कि आपकी क्या योजना है देश और दुनिया के लिए, तो आपको तैयार रहना होगा। मैं एक बार उपस्थित स्वर्ण पदक विजेताओं की उपस्थिति लेना चाहूँगा, जो हैं वो कृपया खड़े अपने हाथ खड़े करेंगे। स्वाति शर्मा यदि हैं तो हाँ, मोनिका राणा, अंकित अग्रवाल, उनके पश्चात उमा तिवारी, सरगम मेहरा, पूजा, तान्या नारंग, प्रीथा चट्टोपाध्याय, तुलिका दीवान, मिताली गांधी, गरिमा नौटियाल, दीप्ति मिश्रा, वंदना, अदिति खंडूरी, चाणक्य राठौर, सुजाता कुमारी, शैलजा डिमरी, ज्योति श्रीराम, अनुभूति ध्यानी, ये पीजी पाठ्यक्रम के स्वर्ण पदक विजेता थे, अब ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के मोहित घई, प्रीथा चट्टोपाध्याय, इनको यूजी में भी है पीजी में भी है, ये कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, शिवांगी रावत, स्वाति बिष्ट, हिमाद्री चंद्र, ज्योतिका अरोड़ा, एलिजाबेथ महिमा टैकोप, कोमल सजवाण, गुसाई सिद्दीकी, गोशिया सिद्दीकी, मोहिनी पासवान, अंतरा प्रियदर्शनी। अंतरा प्रियदर्शनी जब स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही होगी तो बाकी के हमारे स्वर्ण पदक विजेता ग्रुप फोटोग्राफी के लिए मंच पे आगे पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। विश्वविद्यालय की कुलगीत की रचना महान साहित्यकार और एक प्रखर शिक्षाविद श्रीमान डंगवाल जी के द्वारा की गई है, मैंने उनको विशेष रूप से आमंत्रण किया था। मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से श्रीमान डंगवाल जी का उनकी कुलगीत की रचना के लिए और इस दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करके हमारे मेधावियों को शिक्षाविदों को आशीर्वाद देने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। शोभा यात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अगुवाई में प्रारंभ हो रही है। जो अतिथि मुझे अभी भी काफ़ी हमारे छात्र वॉलंटियर्स और अतिथि मुझे खड़े नज़र आ रहे हैं पीछे, आपसे निवेदन है कृपया, बहुत सारी सीट्स आगे खाली हैं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। परियात्रा के दौरान किसी प्रकार का आवागमन अलाउड नहीं है, इसलिए आपसे मेरा विशेष अनुरोध और निवेदन है कि आप कृपया सभागार में जो सीट आपके लिए आरक्षित की गई हैं आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें।
परियात्रा के मार्ग में कई हमारे विद्यार्थी और मुझे लगता है कि हमारे अतिथि भी खड़े हैं। आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि आप कृपया परियात्रा मार्ग में हलचल न करें, किसी प्रकार का आवागमन वहाँ पे प्रतिबंधित है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया सभागार में अपना स्थान ग्रहण कर लें। दून विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के समय से आज पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है और इसके लिए राज्य सरकार की उच्च शिक्षा के प्रति उनकी गंभीरता, उनका त्याग और उनका समर्पण स्पष्ट रूप से झलकता है। सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से दीक्षांत समारोह के आयोजन किए जा रहे हैं। उससे उपाधि वितरण की जो पेंडेंसी होती थी वो अब समाप्त हो जाएगी। हर वर्ष यदि दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा तो विद्यार्थियों को समय पर उपाधि प्राप्त हो जाएगी। परियात्रा प्रारंभ हो चुकी है, ऐसा सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे हैं। सभी अतिथियों से मेरा पुनः निवेदन है जो पीछे खड़े हैं, विशेष तौर पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ जो लोग वार्ता कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया सभागार में अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। कुछ ही क्षणों में परियात्रा प्रारंभ होगी। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, परिसर में आपका काफिला पधार चुका है और शैक्षणिक परियात्रा के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मंगल सिंह मंद्रवाल जी अगुवाई कर रहे हैं। उनके पीछे विश्वविद्यालय विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय विद्या परिषद के सदस्यों के पीछे विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्यों के पीछे विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्षों के पीछे विश्वविद्यालय कोर्ट यानी कि सभा के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय कोर्ट के माननीय सदस्यों के पीछे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय के पीछे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के पीछे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली महान विभूतियाँ, सुर सम्राट श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी, पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अंत में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय और आखिरी में कुलाधिपति की के परिसहाय, ये क्रम मंच की ओर मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा। परियात्रा की पूरी तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं, कुछ ही क्षणों में परियात्रा प्रारंभ होने को है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। जो हमारे विद्यार्थी गैलरी में इधर उधर टहल रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे कृपया अपना स्थान पर बैठ जाएं। जो उनके लिए सीट आरक्षित की गई है वहीं बैठने का कष्ट करें।
एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि कृपया यथाशीघ्र अपने सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि परियात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव परियात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और अंत में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी इस परियात्रा में सम्मिलित होकर के मंच की ओर, जैसे ही परियात्रा मुख्य सभागार के मुख्य द्वार पर प्रविष्ट करेगी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के परियात्रा का अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस बीच किसी प्रकार के कोई बातचीत या कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परियात्रा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मंगल सिंह मंद्रवाल जी परियात्रा का अगुवाई कर रहे हैं, पीछे विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण। Thank you.
मैं माननीय कुलाधिपति, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पद्म विभूषण माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी एवं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। ये ज्ञान की ज्योति हमेशा इसी प्रकार प्रकाशित होती रहे, ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, पद्म विभूषण माननीय डॉक्टर जोशी जी, माननीय कुलपति महोदय। सभी अतिथियों से निवेदन है कि विश्वविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति के दौरान हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं विश्वविद्यालय कुलगीत की प्रस्तुति के लिए दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं। Thank you.
माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय से दून विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने हेतु निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करता हूं कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। मैं दून विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूं। मैं माननीय कुलपति महोदय को स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय सांसद एवं भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, दून विश्वविद्यालय के कार्य परिषद कोर्ट एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्य, अध्यापक, अधिकारी और कर्मचारी गण, इस समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं मीडिया जन के साथियों, मैं दून विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दून विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई और इसका प्रथम शैक्षणिक सत्र 2009 में प्रारंभ हुआ। पहला बैच वर्ष 2011 में पास आउट हुआ। विश्वविद्यालय 8 स्कूलों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम संचालित कर रहा है, जिसमें स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ डिज़ाइन और स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज शामिल हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के 4 स्कूलों में PhD प्रोग्राम भी संचालित किए जा रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2011 से 2016 के बीच उत्तीर्ण हुए छात्रों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जा रही है। साथ ही 2018 तक विश्वविद्यालय से PhD कर चुके शोधार्थियों को भी आज उपाधि दी जा रही है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि दून विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में पद्म विभूषण माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी एवं उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक एवं साहित्यकार श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को माननीय कुलाधिपति के हाथों डायरेक्ट डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2011 से 16 के बीच में उत्तीर्ण हुए 44 मेधावी छात्रों को विभिन्न विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशस्ति पत्र एवं स्वर्ण पदक से अलंकृत कर रहा है। साथ ही 617 स्नातकोत्तर, 380 स्नातक एवं 5 PhD छात्रों को उपाधि प्रदान की जा रही है। दून विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से कुछ नए पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने की तैयारी कर ली गई है। आगामी सत्र से डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र के अधीन भूगर्भ विज्ञान और भूगोल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं शोध कार्य शुरू होने जा रहा है। साथ ही लोक कला, भाषा, संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषाओं के पाठ्यक्रम एवं शोधकार भी प्रस्तावित हैं। सामाजिक न्याय के संबंध में शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर का प्रस्ताव भी विधायी समितियों से अनुमोदित कराकर केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इससे पहले NTPC के सहयोग से दून विश्वविद्यालय में सरकार के नीति नियोजन में योगदान देने के उद्देश्य से
सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी भी शुरू किया गया है, जिसमें नीति नियोजन से संबंधित विषयों पर शोध कार्य संचालित किए जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी की वैश्वीकृत दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना दून विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए युवाओं में रचनात्मक और सृजनात्मक विकसित करने के लिए दून विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। राज्य के अधीन विश्वविद्यालय होने के नाते दून विश्वविद्यालय हिमालयी क्षेत्र के निवासियों और समुदायों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकार, अन्य शोध संस्थाओं, नागरिक समाज के संगठनों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण के निर्माण, छात्रों में संतुष्टि, उत्कृष्ट शोध और सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हूँ। दून विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसे कोर्स भी शुरू करना चाहेगा जिनकी प्रासंगिकता क्षेत्र समस्याओं का हल खोजने के लिए भी हो, साथ ही राज्य में उत्कृष्ट मानव संस्थान तैयार हो सके। तेजी से बदलती हुई दुनिया में विश्वविद्यालय के पास ऐसे मंच के तौर पर उभरने का मौका है जहाँ रचनात्मक विचारों और ज्ञान प्रणालियों के आदान प्रदान के लिए समाज के आर्थिक सामाजिक विकास को गति मिल सके। इस अवसर पर मैं दून विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास के लिए शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों और छात्रों के रचनात्मक और सकारात्मक समुदाय का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके छात्र व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन में नए जीवन को छुएं, इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाओं देता हूँ। एक बार पुनः मैं आप सभी का प्रथम दीक्षांत समारोह में स्वागत करता हूँ। जय हिंद। श्रीमान, इस दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्ष 2018 के पीएटी एवं 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एवं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से उत्तीर्ण पारा स्नातकों एवं स्नातकों को वाती प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। मैं माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूँ कि आप उपाधि प्राप्तकर्ताओं को अनुशासनादेश प्रदान करने की कृपा करें। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं कहकर उत्तर देंगे। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद ना करो, अपने आचार्यों की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को उच्छिन्न ना करो, सत्य में प्रमाद ना करो, धर्म में प्रमाद ना करो, कुशल व्यय में प्रमाद ना करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद ना करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद ना करो। देव और पितरों के कार्य में प्रमाद ना करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। तुम्हारे जो शुद्ध आचरण हैं तुम्हें उन्हीं पे उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों पे नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हों उन्हें आसन दे के आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं, ऐश्वर्य के अनुसार करना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारमान,
कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हों, वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम करो। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी उपासना करनी चाहिए कि आपका मार्ग मंगलमय हो। सर आप, मैं उपाधि धारकों को प्रस्तुत करने का निर्देश देती हूं। पीएचडी पर्यावरण एवं प्राकृतिक संस्थान स्कूल के पीएचडी उपाधि के लिए अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाएं। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन स्कूल के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हों। श्रीमान, मैं आपके समक्ष तीन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करती हूं, जो परीक्षोपरांत पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन स्कूल में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। दून विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के निहित अधिकारों से मैं आपको पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन स्कूल में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूं और आदेश देती हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन स्कूल के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाएं। जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन स्कूल के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हों। श्रीमान, मैं आपके समक्ष दो अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन स्कूल में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। दून विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नेत अधिकारों से मैं आपको जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन स्कूल में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूं और आदेश देती हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। परास्नातक परिसर में संचालित समक्ष परास्नातक उपाधियां हेतु अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 के 614 परास्नातक अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमटेक, एमबीए, एमए कम्युनिकेशन, एमए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स, एमए इंटीग्रेटेड चाइनीज, एमए इंटीग्रेटेड जर्मन, एमए इंटीग्रेटेड स्पेनिश, एमए अंग्रेजी उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। दून विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नियत अधिकारों से मैं आपको एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमटेक, एमबीए, एमए कम्युनिकेशन, एमए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स, एमए इंटरग्रेट चाइनीज, एमए इंटरग्रेट जर्मन, एमए इंटरग्रेट स्पेनिश, एमए अंग्रेजी की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूं और आदेश देती हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। स्नातक परिसर में संचालित समत स्नातक उपाधियां हेतु अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष वर्ष 2013, 2014, 2015, 2016 के 380 स्नातक अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो परीक्षोपरांत बीबीए, बीए कम्युनिकेशन, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीए चाइनीज, बीए जर्मन, बीए स्पेनिश, बीए जापानीज की उपाधि के योग्य पाए गए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। दून विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नियत अधिकारों से मैं आपको बीबीए, बीए कम्युनिकेशन, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीए चाइनीज, बीए जर्मन, बीए स्पेनिश, बीए जापानीज की उपाधि के लिए स्वीकार करती हूं और आदेश देती हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के
योग्य प्रमाणित करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करता हूं कि अपने संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के कृपा करें। कुल सचिव अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। श्रीमान, मैं वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अपने अपने संकायों में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च अंक पाने वाले 44 उपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक के लिए प्रस्तुत करता हूं। स्वाति शर्मा, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस 2009-2011 बैच। मोनिका राणा, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस 2010-2012 बैच। अंकित अग्रवाल, एमबीए 2010-2012 बैच। उल्लेख बोल दिया। मोनिका राणा, उमा तिवारी 2011-2013 बैच। अंकित अग्रवाल, सरगम मेहरा, एमए कम्युनिकेशन 2011-2013 बैच। उमा तिवारी, सरगम बेहरा, इनका नाम क्या है? पूजा, एमए इकोनॉमिक्स 2011-2013 बैच। पूजा, तान्या नारंग, एमए स्पेनिश 2014-2016 बैच। प्रिथा चट्टोपाध्याय, एबे कम्युनिकेशन 2014-2016 बैच। तुलिका दीवान, एमए कम्युनिकेशन 2012-14 बैच। मिताली गांधी, एमए इकोनॉमिक्स 2012-2014 बैच। गरिमा नौटियाल, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस 2013-2015 बैच।
दीप्ति मिश्रा एमटेक इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी 2013-2015 बैच। वंदना एमबीए 2013-2015 बैच। वंदना आदिति खंडूरी एमए कम्युनिकेशन 2013-2015 बैच। चयनिका राठौर एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस 2014-2016 बैच। सुजीता कुमारी एमटेक इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी 2014-16 बैच। सैलजा डिमरी एमबीए 2014-2016 बैच। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि स्वर्ण पदक विजेताओं को माननीय कुलाधिपति महोदय के साथ स्वर्ण पदक एवं सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। ज्योति श्रीराम एमए कम्युनिकेशन 2014-2016 बैच। अनुभूति ध्यानी एमए इकोनॉमिक्स सॉरी एमए इंग्लिश 2014-2016 बैच। मोहित घई बीए जर्मन ऑनर्स 2010-2013 बैच। रिपीट हो गया यूजी भी है ना बोल दे है नहीं। प्रथा चट्टोपाध्याय बीए कम्युनिकेशन ऑनर्स 2011-2014 बैच। यह छात्रा स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं में सर्वोच्च अंक पाने वाली छात्रा है। शिवांगी रावत बीए चाइनीज ऑनर्स 2011-2014 बैच। स्वाति बिस्ट बीए स्पेनिश ऑनर्स 2011-2014 बैच। हिमाद्री चंद बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स 2012-2015 बैच। ज्योतिका अरोड़ा बीए स्पेनिश ऑनर्स 2012-2015 बैच। एलिजाबेथ महिमा जैकब बीए कम्युनिकेशन ऑनर्स 2012-2015 बैच। कोमल सजवान बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स 2013-2016 बैच।
तनुजा कर्नाटका, बीए चाइनीज ऑनर्स 2013-2016 बैच। अच्छा, गौसिया सिद्दकी, बीए स्पेनिश ऑनर्स 2013-2016 बैच। मोहिनी पासवान, बीए जैपनीज ऑनर्स 2013-2016 बैच। अंतरा प्रियदर्शनी, बीबीए ऑनर्स 2013-2016 बैच। तनुजा कर्नाटका, बीए चाइनीज ऑनर्स 2013-2016। इनको जान इसको कर दो पहले, लड़की लड़की अनाउंस कर दिया, उसका बोल दिया ना, तनुजा का लास्ट नाम क्या है, तनुजा कर्नाटका, तनुजा कर्नाटका। ग्रुप फोटोग्राफ, चलो बेटा, अरे नहीं हो पाएगा, नीचे ले जाओ। स्वर्ण पदक विजेताओं के साथ माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, पद्म विभूषण माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी, माननीय कुलपति महोदय के साथ, ये पिछले 6 सत्रों के हमारे मेधा हैं जो देश और दुनिया में उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन कर रही हैं। जोरदार तालियों के साथ इन स्वर्ण पदक विजेताओं को का अभिवादन करें और इनके अभिभावकों को, इनके माता पिता को मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से ऐसे रत्न संवारने के कार्य किए। एक बार पुनः दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई। स्वयं भी स्वर्ण पदक विजेता उसी क्रम से वापस ही अपने स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय अतिथियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर अपने स्थान ग्रहण करेंगे। स्वर्ण पदक विजेता मंच के दोनों तरफ से अपने आरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। मैडम बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय एवं माननीय मंचासीन अतिथिगण। श्रीमान, मैं उपाधि पाने वाले अनुपस्थित विद्यार्थियों को जिनके नाम उपस्थिति पंजिका में दर्ज हैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये उपाधि एवं मेडल हेतु योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधि अनुपस्थिति में प्रदान की जाए। मैं दून विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के निहित अधिकारों से इन अनुपस्थित विद्यार्थियों को उपाधि एवं मेडल के योग्य स्वीकार करती हूं और आदेश देती हूं कि ये सभी
अपने आप को इस उपाधि एवं मेडल के योग्य प्रमाणित करते रहें। मानद उपाधि डॉक्टर प्राची पाठक से निवेदन है कि सुप्रसिद्ध लोक गायक श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी का परिचय प्रस्तुत करने की का कष्ट करें। डॉक्टर प्राची पाठक। धन्यवाद सर। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय गीतकार, गायक एवं संगीतकार हैं, जिन्होंने विभिन्न विषयों को संगीत रूपी माला में पिरोकर संपूर्ण उत्तराखंड का बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है। श्री नेगी जी गढ़वाल के महान गायक हैं, जिन्होंने गढ़वाल की संस्कृति को अपने स्वयं में गीतों के माध्यम से उत्तराखंड समेत विभिन्न देशों में प्रचारित एवं प्रसारित कर देवभूमि की विराट संस्कृति को विश्व पटल पर विस्तारित किया है। श्री नेगी जी 1000 से भी अधिक गीतों को अपना स्वर दे चुके हैं एवं उनके द्वारा निर्मित गीतों के बोल, धुन, आवाज और उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति उनका समर्पण एवं गहन प्रेम के कारण वे लोकप्रियता के शिखर पर हैं। श्री नेगी जी का जन्म 12 अगस्त 1949 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ। उनके पिता सेना में जबकि माता गृहिणी थी। बचपन से ही इनकी रुचि संगीत में रही। उत्तराखंड की लोक संस्कृति जैसे चौफला, झुमेला, जागर आदि उनकी प्रेरणा स्रोत बनी और इस प्रकार उत्तराखंड के महान गायक का उदय हुआ। श्री नेगी जी ने सन 1970 के दशक में आम व्यक्ति से जुड़े विषयों पर लिखना शुरू किया और उसे स्वरबद्ध करके जन जन में लोक गीतों के प्रति प्रेम जगाया। एक समय था जब लोक गीतों के प्रति लोगों की कोई रुचि नहीं थी। नेगी जी ने गढ़वाली गीतमाला से अपना सफर शुरू किया। उनकी पहली एल्बम बुराश ने लोक गीतों को एक नई पहचान दी। वर्ष 1974 में रिकॉर्ड किया गया उनका गीत सहरा बस गयाल बड़मा रूढ़ी कुटड़मा ने पूरे उत्तराखंड के जनमानस के मन मस्तिष्क में लोकगीतों के प्रति रुचि पैदा कर दी। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी एक गायक ही नहीं अपितु एक तबला वादक, संगीतकार व साहित्यकार भी हैं। उन्होंने कई कविताएं एवं पुस्तकों की रचना की। कई फिल्मों में गीत एवं संगीत के माध्यम से अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाया। लोकगीतों के माध्यम से उत्तराखंड की बोली भाषा के लगभग 10,000 से भी अधिक विलुप्त हो चुके शब्दों को संरक्षित करने का महान कार्य किया और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर विश्व पटल पर इसकी विशिष्टता को आज भी वे प्रसारित कर रहे हैं। दून विश्वविद्यालय आपको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। धन्यवाद। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि लोक कला के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित एवं देश विदेश में प्रसारित करने वाले माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत करने की कृपा करें। डॉक्टर जोरदार तालियों के साथ जन जन के दिलों में राज करने वाले माँ सरस्वती के वरद पुत्र माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी को सर्वोच्च उपाधि मानद उपाधि से अलंकृत करती हुई कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय, हम सबका सौभाग्य है कि माननीय नेगी जी ने उत्तराखंड की विरासत को जन जन के दिलों में जागृत करने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरस कोजा की डिग्री से अलंकृत किए जाने वाले पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का बायोग्राफी प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर प्राची पाठक को आमंत्रित करता हूं।
साथ ही पद्म विभूषण डॉक्टर जोशी जी से निवेदन है कि हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का जन्म 5 जनवरी 1934 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा उत्तराखंड से प्राप्त की एवं स्नातक की शिक्षा मेरठ महाविद्यालय व एमएससी भौतिकी विज्ञान एवं डीफिल की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्जित की। उनका शोध क्षेत्र स्पेक्ट्रोस्कोपी रहा। डॉक्टर जोशी ने मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपना प्रथम वैज्ञानिक शोध पत्र हिंदी में प्रस्तुत किया। उन्हें भौतिकी विषय पर हिंदी भाषा में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले भारत के प्रथम छात्र होने का गौरव प्राप्त है। आपकी इस पहल से वैज्ञानिक आविष्कार एवं खोज को मातृभाषा के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने की मुहिम को बल मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 4 दशकों के अध्ययन अध्यापन जीवन काल के दौरान आपने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। शैक्षणिक कार्यकलापों के साथ साथ आपने सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। भारत सरकार में गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहते हुए आपने कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर ऐतिहासिक कार्य किए। डॉक्टर जोशी राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं एवं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के संयम एवं संस्थापक महासचिव बने और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व किया। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में सक्रिय रूप से पार्टी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप 6 बार लोकसभा एवं 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। साथ ही आपने संसद की विभिन्न समितियों उप समितियों का अध्यक्ष सदस्य रहकर देश को विकास की राह में अग्रसर करने का कार्य किया। आपने गौ माता के वैज्ञानिक तथ्यों को जानते हुए एवं उसके साथ रहने से मानव कल्याण की परिकल्पना को साकार करने का निर्णय लिया एवं गौ माता बचाओ आंदोलन में 1953 से 1955 के दौरान पूरे मनोयोग से अपनी सहभागिता प्रदर्शित की। आप पहली बार 1977 में सांसद निर्वाचित हुए। वर्तमान में आप कानपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने बनारस एवं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर रहते हुए आपने देश के शिक्षा जगत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है, जिसमें सुदूर उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान को भारत की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रसार के लिए IIT, NIT आदि संस्थानों का देश के प्रत्येक राज्य में विस्तार कर कौशल विकास को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं, जिसका परिणाम आज भारत की प्राथमिक शिक्षा जगत एवं उच्च शिक्षा जगत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश के विकास में आपके इन शैक्षिक एवं सामाजिक अभूतपूर्व कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2017 में आपको देश के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया। दून विश्वविद्यालय आपको DSC की मानद उपाधि से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। धन्यवाद। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से अलंकृत करने की कृपा करें। विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि प्रथम दीक्षांत समारोह में विज्ञान और भारतीय संस्कृति के दर्शन को देश और दुनिया में प्रतिस्थापित करने वाले महान शिक्षाविद श्रीमान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करने पर मजबूर कर रही है। दून विश्वविद्यालय का यह सौभाग्य है कि आपको DSC ऑनरेरी स्कॉलर की उपाधि से अलंकृत करने का यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पद्म विभूषण डॉक्टर। जोरदार तालियों के साथ युग पुरुष युग प्रवर्तक
महान शिक्षाविद, महान वैज्ञानिक डॉक्टर पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब का अभिवादन करें। आप हम सभी शिक्षकों के रोल मॉडल हैं। एक शिक्षक मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में आपने देश और दुनिया में भारत की संस्कृति को विश्वगुरु बनने की राह की ओर आज भी अग्रसर हैं और उसको किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय। मैं जन जन के प्रिय, लोकप्रिय लोक गायक, उत्तराखंड की संस्कृति को देश और दुनिया में प्रतिस्थापित करने वाले माँ सरस्वती के वरपुत्र माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ कि इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी। नमस्कार। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र रावत जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, माननीय कुलपति डॉक्टर सी एस नौटियाल जी दून विश्वविद्यालय, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री मुरली मनोहर जोशी जी, रजिस्ट्रार माननीय मंद्रवाल जी एवं यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षाविद, छात्र छात्राएं, अभिभावक, सभी को प्रणाम करते हुए मैं दून विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की लोक भाषाओं को मेरे माध्यम से सम्मानित किया है। उत्तराखंड की लोक भाषाएं जो काफ़ी समय से उपेक्षित रही हैं, कभी गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं की राजभाषा रही ये भाषाएं अपने ही समाज के द्वारा लंबे समय से उपेक्षित हैं, और दून विश्वविद्यालय ने इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और इन्हें प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, मैं दून विश्वविद्यालय के सभी स्टाफ, कुलपति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह जी और तमाम उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो लोक भाषाओं को बचाने के प्रयास निरंतर कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में जैसा कि बताया गया है कि गढ़वाली और कुमाऊनी लोक भाषाओं के लिए एक लोक भाषा केंद्र की स्थापना हुई है। मैं सोचता हूं कि इस प्रयास से हमारी लोक भाषाएं लंबी दून विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति डॉक्टर नौटियाल जी, जो अपने विज्ञान और विशेष करके वैज्ञानिक शोधों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं, मेरा विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय को वो हिमालय की शिखरों तक ले जाने की चेष्टा करेंगे। आज जिन्हें हम लोगों ने यहाँ मेरे से पहले अभी सम्मानित किया है, श्री नेगी जी, वो एक तरह से स्वर संगीत और साहित्य की त्रिवेणी एक साथ हैं, और ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मान करके मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय ने एक नई दिशा दी है, और मुझे इस बात का गौरव है कि उन्हीं के बाद मुझे भी सम्मानित होने का अवसर मिला है।
विश्वविद्यालय की सभी परिषदों के सम्मानीय सदस्यगण, प्राध्यापकगण, आज के सभी उपाधि प्राप्त छात्र और छात्राएं, अध्यापकगण, कर्मचारीगण, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं दून विश्वविद्यालय को अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मानद उपाधि के लिए एक उपयुक्त पात्र समझा। उत्तराखंड मेरी अपनी पितृभूमि है, मातृभूमि है और प्रारंभिक शिक्षा मैंने उत्तराखंड से ही प्राप्त की इंटरमीडिएट तक। मैं सोचता हूं कि उन दिनों ऐसे विश्वविद्यालय नहीं थे, तब नैनीताल में एक बड़ा डिग्री कॉलेज हुआ करता था, अल्मोड़े में कोशिश हो रही थी कि एक डिग्री कॉलेज खोला जाए, पढ़ने के लिए लखनऊ, इलाहाबाद और जो बच गए वो बरेली, ये उस जमाने में अच्छे छात्रों के लिए सुविधाएं थीं। यात्रा भी बड़ी संकटग्रस्त थी, अगर कोई ग्रामीण छात्र इलाहाबाद जाए तो यात्रा बड़ी आसान नहीं थी। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, केंद्रीय संस्थान भी हैं यहाँ, जो कुछ पहले से थे और कुछ और खुले हैं। तो इस प्रकार से एक नया वातावरण ज्ञान के क्षेत्र में आज हमें देखने को मिलता है। उन छात्र और छात्राओं का ये सौभाग्य है कि वो एक ऐसे स्तर पर आज शिक्षित हो रहे हैं जिसकी आवश्यकता उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि देश भर को है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके कुलपति महोदय स्वयं एक बहुत अच्छे कुशल शोधकर्ता रहे हैं। मुझे दो बात उनके बारे में जरूर आपको बतानी है जिससे यहाँ के छात्र और छात्राएं प्रेरणा ले सकें कि उन्होंने कैसे काम किए हैं। गंगा नदी में उन्नाव से लेकर ढाका तक बहुत बड़ी मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जहरीला रसायन है। 7 करोड़ लोग इससे प्रभावित, 1 लाख से अधिक लोग आर्सेनिक जन्य रोगों से मृत हुए हैं। और जब गंगा में पानी है और उसमें बहुत आर्सेनिक है तो खेती में भी वो आर्सेनिक जाता है, मछलियों में भी वो आर्सेनिक जाता है, और गंगा के किनारे जो यदि कोई चरागाह है तो उसमें भी आर्सेनिक जाता है, और पेड़ हैं तो उनसे फलों में भी आर्सेनिक जाता है। ये एक बहुत भयंकर हमारे सामने चिंता का विषय था, विशेषकर बंगाल में तो बहुत ही था क्योंकि वहाँ सारी खेती गंगा के पानी से हो। ये जहर ढाका तक जाता है क्योंकि गंगा बांग्लादेश तक जाती है। तो इसलिए एक समस्या थी कि इससे कैसे मुक्ति पाई जाए और जो खेती होती है उसको कैसे बचाया जाए। आर्सेनिक जब तक मुक्त होगा तब होगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आर्सेनिक का प्रभाव धन धान्य में, फलों में, मछलियों में न हो? मछलियों में रोकना तो कठिन है लेकिन खेती में रोकना संभव हो सकता था। डॉक्टर नौटियाल ने सबसे पहले धान की ऐसी प्रजाति का आविष्कार किया
जो आर्सेनिक के पानी से संचित होने पर भी आर्सेनिक रहित थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि उनकी वैज्ञानिक दृष्टि कितनी गहरी है और सूझबूझ की है, जनोपकारी है, देशहितकारी है और आम आदमी के लिए समर्पित है। इसी प्रकार उन्होंने गंगा में प्रदूषण के अध्ययन किए। और दूसरी बात जो और भी महत्वपूर्ण है वो ये कि उन्होंने भारतीय गोवंश में, जिसको हम देसी गाय कहते हैं, अपनी गाय कहते हैं, उसमें और ये होल्स्टीन और जर्सी गाय जो है उसमें और माँ के दूध में क्या फ़र्क है। और उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारतीय गाय का दूध माँ के दूध के समतुल्य है, नियरेस्ट है, जबकि होल्स्टीन और जर्सी उससे काफ़ी दूर है। तो ये एक दूसरी बात थी कि जिससे देश के और दुनिया के लोगों को ये समझ में आया कि प्राचीन काल से भारत में माँ के दूध के बाद दूसरा गाय का दूध ही क्यों प्रस्तावित किया गया आयुर्वेद में, और यही हमारे देश की प्रणाली आज तक चली आ रही है। जिसे पहले लोग अंधविश्वास मानते थे कि क्या फ़र्क होता है, गाय गाय में कोई फ़र्क नहीं है, माँ के दूध और गाय में कैसे सामान्य हो सकता है, समता हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि नहीं, वो सारे तत्व जो रोग निरोधकता पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं, वो जितने माँ के दूध में हैं लगभग वैसे ही गाय के दूध में हैं। जो प्रोटीन्स चाहिए वो वहीं हैं, एंजाइम्स चाहिए वो वहीं हैं। तो ये एक प्रकार से दूसरी बड़ी खोज है जो भारतीय विज्ञान को भी साबित करती है और हमारी इस बात को भी सिद्ध करती है कि माँ के दूध में बड़ी शक्ति है। हमारे यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना कि किस माँ का दूध पिया है, किस माँ का दूध पिया है, और वो ये भी कहते हैं अक्सर कि छठी का दूध याद करा दूंगा। ये जो छठी का दूध है ना, छः दिन का, वो बहुत अधिक पोषक होता है, बहुत अधिक निरोधक होता है रोगों का। ये हमारे यहाँ की जो सामान्य चीज़ें हैं, और इसलिए जब मैं मंत्री था विज्ञान का भी, तो हमने एक विशेष विषय स्थापित किया था, वैलिडेशन ऑफ इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज। भारत में जो कुछ वैज्ञानिक परंपराएं हैं उनको आजकल की दृष्टि से भी उनकी निष्पत्ति की जाए, साबित किया जाए कि हमारी जो परंपराएं रही हैं बहुत सी, वो आज की विज्ञान की दृष्टि से भी खरी उतरती हैं, और उनको अंधविश्वास मानकर ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा तिरस्कृत कर दें, उनको हम हमेशा भुला दें, उनकी मजाक बनाएं। ये अब छोड़ देना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन वैज्ञानिक परंपराओं का जो भारत में चली आ रही हैं उनको एक बार फिर से नए ढंग से उन पर विचार करें, सिद्ध करें। दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी इस दृष्टि से आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित शोधकर्मी, शिक्षा प्रेमी, और दूसरी बात यह है कि वो इसी क्षेत्र के निवासी हैं, तो मैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा, क्योंकि अब इस विश्वविद्यालय में एक हिमालय पर शोध और अध्ययन करने का केंद्र बनाया गया है, इस तरफ वो ध्यान दें। हिमालय पर ध्यान देना केवल इसलिए नहीं कि मैं हिमालय का निवासी हूँ, हिमालय क्षेत्र का, या ये विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित है, बल्कि हिमालय ये हमारे देश के लिए और समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए और साथ में अफगानिस्तान तक, किसी हद तक पर्शिया के कुछ हिस्सों तक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है जलवायु का और जल के स्रोतों का। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हिमालय एक ऐसा पर्वत है कि जिसका वर्णन हमारे यहाँ अति प्राचीन काल से बहुत ही आदर के साथ, श्रद्धा के साथ और एक प्रकार से
उसको भी एक देवता के रूप में हमने माना है। कालिदास ने कहा ही था, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा पूर्वा परव तोय निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या एवं मानदंड। बेंचमार्क मानदंड है पृथ्वी का। वो आप देखेंगे कि एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ, पूर्व में बिल्कुल वियतनाम के कोने तक और यहाँ अफगानिस्तान फ्रांस पर्शिया के कोने तक। ये हिमालय का इधर विस्तार है, सारा तिब्बत हिमालय से आच्छादित है और हम तो साक्षात हिमालय की गोद में हैं। अगर ये हिमालय नहीं हो तो ये देश इस रूप में नहीं हो जिस रूप में आज है। इस देश का निर्माण हिमालय के कारण हुआ है, यहाँ के सारे जल स्रोत हिमालय से बन गए। कुछ तो सीधे हिमालय से आते हैं और कुछ हिमालय की वजह से बनते हैं। ये भी एक प्रकृति की विशेषता है जिसे हमें समझना चाहिए कि यद्यपि मानसून आता है तिब्बत के ऊपर, वहाँ टकराता है हिमालय से, लेकिन उसका प्रेसिपिटेशन इस तरफ होता है उस तरफ नहीं। सारी जलधाराएं इधर आती हैं, तिब्बत की तरफ कम जाती हैं। चाहे सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो या अन्य नदियां जो पंच नदियों के रूप में विख्यात हैं वो हो, मीकोंग हो, इरावदी हो, ये सब नदियां हिमालय से इधर आती हैं, लेकिन उनका जो प्रेसिपिटेशन है वो अगर उधर हो जाता तो हम तो सूखे हो जाते और सारी हरियाली तिब्बत और चीन में चली जाती। तो इसलिए हमारा तो विशेष कर्तव्य होना चाहिए कि हम हिमालय के रख रखाव के लिए और हिमालय के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पूरी शक्ति से काम करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आपने एक अध्ययन केंद्र हिमालय के अध्ययन के लिए और शोध के लिए बनाया है। मैं केवल हिमालय की सांस्कृतिक महत्ता की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको बहुत सी पुस्तकों में मिल जाए, लेकिन जो हिमालय का वैज्ञानिक और सामरिक महत्व आज हमारे लिए है उसे हमें समझना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में उत्तर में एक ऐसा शासन है जो भारत के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखता, एक प्रकार से वो द्वेष भाव रखता है। और यदि इस जल के स्रोत पर उसने कुछ अपनी कोप दृष्टि शुरू की तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो सकता है। ब्रह्मपुत्र पर उन्होंने ये काम शुरू किया है, ब्रह्मपुत्र के पानी को अपनी ओर मोड़ने के लिए उन्होंने वहाँ बांध बनाया, क्योंकि चीन में स्वयं अब पानी का बहुत अभाव है। उन्होंने जिस ढंग से औद्योगिक प्रगति की है और जिस भाव रूप में वो विकास कर रहे हैं अपना, उसमें पानी की बहुत आवश्यकता है। चीन में बारिश होती नहीं क्योंकि हिमालय तो इधर पानी बरसा देता है उधर नहीं बरसाता, ये देखिए ना कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वो फिर यहाँ के पानी को उधर ले जाना चाहते हैं। हमारी कोई संधि चीन के साथ नहीं है, इसलिए वो बार बार हमको ब्रह्मपुत्र के पानी के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जो कठिनाई पैदा हो। यही मीकोंग नदी से, यही इरावदी नदी में या और बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, उन सब में ये परिस्थिति है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये देखना है कि हिमालय और उसके जल स्रोत वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हिमालय मजबूत रहे, दृढ़ रहे, उसको कोई पार न कर सके। एक समय था जब हिमालय को कोई पार नहीं कर सकता, आज वो स्थिति नहीं है। तो हिमालय की सुरक्षा, हिमालय का संरक्षण परिवर्धन, ये बहुत महत्वपूर्ण शोध के विषय हैं और उन्हें मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तथा कुलपति मिल के इनको सुझा सकते हैं, इसके बारे में एक बहुत अच्छा तंत्र विकसित कर सकते हैं। हिमालय एक भूकंपीय क्षेत्र है, वो भी एक खतरे की बात है। हिमालय के पर्यावरण को इसलिए बचाए रखना, उसको सुव्यवस्थित रखना, ये हमारे लिए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आप जानते ही हैं कि अगर थोड़ी सी भी कहीं इसमें छिद्र की स्थिति होगी
तो उसको बड़ा करने में हमारा पड़ोसी देश चूकेगा नहीं और हमारे लिए वो अस्तित्व के संकट पैदा कर सकता है. इसलिए हिमालयी सुरक्षा, हिमालयी संरक्षण और हिमालय से हमको क्या प्राप्त हो सकता है उसको उचित मात्रा में प्राप्त करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. क्योंकि यहाँ आपने एक पॉलिसी केंद्र भी बनाया है तो वो हिमालयन पॉलिसीज़ के बारे में भी विचार कर सकता है. और ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय हो सकता है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सब के सब के सारे क्षेत्र में वही समस्याएं हैं जो हमारे देश में हैं. तो इसलिए हिमालयन अध्ययन ये एक सामान्य केवल उत्तराखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. और उस तरफ मेरा ऐसा अनुरोध है कि आप अवश्य ध्यान दें और इस ऐसे केंद्रों को पुष्ट करें. हिमालय के इस क्षेत्र में ऐसे बहुत से मेधावी छात्र हैं जो इस काम में लगाए जा सकते हैं, जिनको आप आकर्षित करके बाहर से भी ला सकते हैं, जो अन्य संस्थानों में काम कर रहे हैं. तो वे दोनों काम, पॉलिसीज़ के बारे में भी और विशेषकर हिमालय के बारे में जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए, उत्तराखंड ही अकेले के लिए नहीं, उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये भी शामिल होंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको हम हिमालयन टेरिटरी कहते हैं वो भी इसमें शामिल की जा सकती है. तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यहाँ बनाया जा सकता है. और उस दृष्टि से उस समय हमने थोड़ी कोशिश की थी, वो बीच में रुक गई. लेकिन अगर अब मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस बात को लेकर केंद्र सरकार के सामने तथ्यों को रखें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ स्थापित हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, जो देश की और विश्व की सेवा करेगा. पॉलिसी वाला जो आपका केंद्र है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आखिर हम नीतियों को किस आधार पर बनाएं. आज ये विश्व भर में ये समस्याएं कि कैसी नीति बननी चाहिए, ग्रोथ को लेकर आज सारी दुनिया में एक उत्सुकता है, ग्रोथ बढ़ाओ, ग्रोथ बढ़ाओ, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, ऐसा अनेक लोगों का विश्वास है. और मेरे नौजवान दोस्तों के लिए तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे जल्दी से पहुँचें और ग्रोथ बढ़ाएं और संपन्नता ले आएं. मुझे बड़ी खुशी होती अगर ग्रोथ बढ़ाने से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शिक्षा सब आ जाते. दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा. अभी पिछले दिनों जो विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों ने और समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किए हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जो ग्रोथ इकोनॉमिक्स है इसके कारण संपत्ति एक स्थान पर कुछ खास लोगों के हाथ में जा रही है और वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच रही. दूसरे, ग्रोथ की जो हमारी बहुत अधिक उत्कट आकांक्षा रहती है उसके कारण पर्यावरण का बहुत ह्रास हो रहा है. इसलिए मैंने कहा कि पॉलिसी और पर्यावरण, और पर्यावरण और हिमालय ये जुड़ा हुआ है. तो ऐसी पॉलिसीज जो पर्यावरण को नष्ट न करें वो बनाया जाना आवश्यक है, जिसको मैं कहता हूँ इको फ्रेंडली पॉलिसीज, पर्यावरण के साथ जिसकी मित्रता हो. क्योंकि पर्यावरण और हम एक ही सिस्टम है, हम पर्यावरण की संतान है, केवल माँ की संतान ही नहीं है, हम पर्यावरण की संतान है. वी आर बॉर्न आउट ऑफ नेचर. आखिर मिट्टी, पानी, हवा, ऊर्जा, ये सब तो हमको पर्यावरण से मिलता है. इसलिए पर्यावरण और हम भिन्न नहीं है. पर्यावरण का विनाश हमारा विनाश है. और अब इस बात का एहसास दुनिया में बहुत लोगों को हो गया है. तो ये सवाल आपके सामने है कि कैसे आप इसका समन्वय बैठाएं कि लोगों के भौतिक आवश्यकताओं की और उसमें कुछ न कुछ सुधार की दृष्टि से क्या किया जाए और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए क्या किया जाए और दोनों का तालमेल कैसे बैठाया जाए. भौतिक समृद्धि, भौतिक उन्नति ये वांछनीय है लेकिन पर्यावरण का संरक्षण उससे भी ज़्यादा वांछनीय है. इसलिए आज एक ये पॉलिसी और पर्यावरण और हिमालय और आपका पॉलिसी केंद्र,
ये बहुत उत्तम संयोग है जो देश के लिए दिशा दर्शन कर सकता है। और तीसरा जो मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता है कि आपका जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है उसमें ऐसी विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिनका महत्व सामान्य तौर पर लोग नहीं समझते। मैं जानता हूँ कि जब हम विदेश यात्राओं पर जाते हैं या विदेशी लोग आते हैं तो हमें वहाँ इंटरप्रेटर्स की ज़बरदस्त आवश्यकता पड़ती है। यह तो सामान्य आवश्यकता है, लेकिन बड़ी आवश्यकता यह है कि दुनिया में क्या हो रहा है वो अपनी भाषाओं में छापते हैं। चीनी लोग, जापानी लोग अंग्रेज़ी में नहीं छापते। अंग्रेज़ी में तो वो उतना ही छापते हैं जितना वो गैर ज़रूरी समझते हैं। जो ज़रूरी है वो सब उनकी अपनी भाषाओं में है। चीन वाले सारी उच्चतम शिक्षा चीन में देते हैं, जिनको अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं वो अलग स्कूल है, लेकिन जो मुख्य रूप से चीनी शिक्षा का प्रवाह है वो चीनी भाषा में, जापानीज जापानी भाषा में, जर्मन्स जर्मन भाषा में, रशियंस रूसी भाषा में, फ्रेंच फ्रांस की भाषा, स्पेनिश अंग्रेजी से ज़्यादा बोली जाती है। मुझे खुशी है कि शायद आपके यहाँ स्पेनिश की व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा केंद्र होगा अगर आप इस कमी को पूरी करें। मैं जानता हूँ कि हमें मालूम नहीं होता है कि उस पार के चाइनीज़ क्या बोल रहे हैं, हम तिब्बती नहीं जानते जबकि तिब्बत की सारी भाषा भारत पर आधारित है, लेकिन हम तिब्बती नहीं जानते, हम चीनी नहीं जानते, हम फारसी नहीं जानते। तो ये सवाल बड़े हैं और इसको मामूली नहीं समझिए। कई बार ये समझा जाता है इसको पढ़ के क्या होगा, हाँ इसको पढ़ के हो सकता है आप कुबेर न बन जाएं, लेकिन आप देश की रक्षा के लिए और देश को समृद्ध बनाएंगे। बहुत साल पहले इंग्लैंड में एक छोटे स्कूल में पूरी शिक्षा संस्कृत में दी जा रही है। हमने उनसे पूछा ये क्यों, कहने कि इसके बिना तो हम भाषाओं को नहीं समझ सकते, दुनिया में कैसे भाषाएं बढ़ी हम नहीं समझ सकते और हिंदुस्तान को तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके यहाँ दूसरी भाषा संस्कृत है, मगर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में केवल डिप्लोमा इन संस्कृत, और वो भी वो जो सरल संस्कृत है उस क्या है? उत्तराखंड ये तो संस्कृत का मुख्य केंद्र, पहले तो यहाँ सब लोग संस्कृत ही बोलते थे, आज भी यहाँ की जो हिंदी है वो मूलतः संस्कृत निष्ठ है। तो आप उसको दृढ़ कीजिए, और मैं आपको विज्ञान का छात्र होने के नाते ये कह रहा हूँ कि संस्कृत में भी बहुत अधिक मात्रा में विज्ञान है। और एक उदाहरण दे के मैं अपनी बात करूँगा, जो आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके जो जिन्होंने उसको शुरू किया वो दो वैज्ञानिक, उसमें से एक प्रमुख थे इरविन श्रोडिंगर। उन्होंने ये कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो केवल भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए उस वाक्य का प्रतिपादन कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा था ऑल इज वन सर्वमिदम खलु ब्रह्मम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। आई एम कोटिंग फ्रॉम हिम, कि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं वो कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा दुनिया में कोई विविधता नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, सर्वत्र एक है, ऑल इज वन। ये तो हमारे वेदांत का सिद्धांत है, और उन्होंने कहा मैं इसी को स्थापित कर रहा हूँ। आज आधे से ज़्यादा भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोग इस बात पर गहन विचार कर रहे हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए, किस वजह से आए, क्या कारण है कि हम हैं, कहाँ जाना है। ये वही प्रश्न है जो हमारे दार्शनिकों ने सैकड़ों हजारों साल जिन पर चर्चा की थी। उत्तराखंड इन तमाम विषयों को अध्ययन का और उनकी अधुनाचीन व्याख्या का जो आज की युग के अनुसार लोगों को हृदयंगम हो सके उसका बड़ा केंद्र बन सकता है। और मुझे इसलिए की प्रसन्नता है कि आज ऐसा संगम है कि यहाँ की कुलाधिपति, यहाँ के कुलपति, यहाँ के शिक्षा मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, वो सब अगर ठान लेंगे तो मेरा निश्चित मत है कि आने वाले थोड़े ही वर्षों में ये विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि और विश्वविद्यालय भी यहाँ एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना स्थान बनाने वाले बन सकेंगे। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ सम्मानित किया
मानद उपाधि दी। लेकिन एक बात, जो मेरा जब परिचय दिया जा रहा था जिसमें शायद बताना ये भूल गए, मैं पहला सांसद अल्मोड़ा से बना था उसमें और मैं गंगा के किनारे ही रहता रहा हूँ। अल्मोड़ा, पिंडर नदी और नामक ग्लेशियर, ये अल्मोड़े ज़िले से ही आती हैं। अब तो वो खैर पिथौरागढ़ ज़िले में एक है, और वही जब इसमें अपने कर्ण प्रयाग में आते हैं तो वही जल का प्रवाह लेके आते हैं और गंगा में जल का प्रवाह देते हैं। उस समय गंगा जल जितना शुद्ध था, आज मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज उतना शुद्ध नहीं है। और जितनी संसद उस समय बहुत शांत और शालीन थी, दुर्भाग्य से आज वो भी नहीं है। तो क्या हम शैक्षिक कैलेंडर को बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं, और शैक्षिक कैलेंडर घोषित करने वाले भी हमारे बीच में माननीय जोशी जी बैठे हैं, कि जिन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पूरे देश में, जब आप मानव विकास संसाधन मंत्री थे तो एक बड़ा भारी अभियान चलाया था। और तब लोगों ने जोशी जी के लिए कहा कि देश में शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा काम हमारे प्रोफेसर जोशी जी ने किया था, और हम लोगों ने अपना शैक्षिक कैलेंडर 180 दिन हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ाई अनिवार्य रूप से होती है। और मैं दून विश्वविद्यालय के कुलपति जी का आभारी हूँ कि हमारा जो सत्र चला गया इस साल, 212 दिन हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई है। एक बड़ा काम हमारे विश्वविद्यालय कर रहे हैं, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का इस दीक्षांत समारोह में बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो कल बेंगलोर में थे, वहां हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का अकस्मत देहांत हो गया। और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप, पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है, हम माननीय जोशी जी को मानव उपाधि दे रहे हैं, हम नयन सिंह नेगी जी को मानद उपाधि दे रहे हैं, और अगर आप नहीं आ पाएंगे तो हमको बड़ी कमी खलेगी। और रातों रात हमारे मुख्यमंत्री जी बेंगलोर से चल के आज हमारे बीच में आए हैं। एक बार मैं फिर अपने विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से पेटेंट कराया है, भारतीय गौवंश के लिए ने बहुत बड़ा काम किया है। और एक झटके में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को कोई अगर ऊंचाई तक ले जा सकता है तो प्रोफेसर नोटियाल ले जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नोटियाल जी ने कम समय में यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। एक बार मैं चाहता हूँ कि सब लोग उनके लिए भी ताली बजाएंगे तो अच्छा रहेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने 4 महत्वपूर्ण निर्णय अभी उच्च शिक्षा में लिए। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी को बोलना है, फिर महामहिम राज्यपाल जी को बोलना है। पहला निर्णय हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया कि हम उत्तराखंड की 5 विभूतियों को हर साल जो है अपने विश्वविद्यालयों से, जो अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, उनको मानद उपाधि से नवाजा जाएगा 5 विभूतियों को। इस साल हमने अपने सांसद, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के जो महान शिक्षाविद हैं प्रोफेसर जोशी जी को सम्मानित किया। परसून जोशी जी का आप नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमने कुमाऊं विश्वविद्यालय से उनको परसों मानद उपाधि से सम्मानित किया। अपने जो जागर सम्राट हैं प्रीतम भरतवाण जी, उनको भी हमने 3 दिन पहले मानद उपाधि से सम्मानित किया, और आज नेगी जी को भी सम्मानित किया है। और अभी हमारे जो जनरल जोशी जी हैं थल सेनाध्यक्ष, उनको भी हम अपने जो, हाँ रावत जी, हमारा जो विश्वविद्यालय है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, जब भी उनका दीक्षांत समारोह होगा उनको हम मानद उपाधि देने वाले हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि आपने एक उत्तराखंड में नई परंपरा विकसित की है। और मुझे लगता है कि ये काम जो है, भले छोटा काम लगता है आपको, लेकिन ये काम इतना बड़ा काम है कि जब हम नेगी जी का चयन कर रहे थे और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम नेगी जी को मानद उपाधि देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता है। और हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है कि उनको अगर पद्मश्री की उपाधि दी जाए तो उसके लिए भी उनके लिए कम है। नेगी जी ने जो काम किया है,
वो उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है नेगी जी को हमेशा याद रखेगी। प्रोफेसर जोशी जी को तो मुझे लगता है कि मानव उपाधि देना बहुत छोटा काम है मान लें, लेकिन चूंकि वो हमारे राज्य के हैं, अल्मोड़ा के सांसद रहे हैं, भारत के बहुत विद्वान लोगों में से उनका नाम माना जाता है और मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम विद्यार्थी परिषद में और बीजेपी में छोटे कार्यकर्ता थे तब मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जोशी जी को जो आज माना जाता है पूरे देश में, साइंस के रूप में अलग है, शिक्षाविद के नाम से अलग है, नेता के नाम से अलग है, प्रोफेसर के नाम से अलग है, लेकिन जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अगर झंडा फहराने का काम किसी ने किया तो हमारे जोशी जी ने किया। और आज तब मेरी उम्र जो है 18 साल की थी और मैं भी गया था झंडा फहराने के लिए और उस समय हम गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन जोशी जी ने जिस अदम्य साहस का परिचय किया है मुझे लगता है कि दून विश्वविद्यालय ने जो काम किया है एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो गया काम आगे। भाइयों बहनों, हम हर साल 5 प्रोफेसरों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्राचार्य हैं, कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, जो शोध के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि ये जो भी 5 प्रोफेसरों का आप सम्मानित करेंगे वो डॉक्टर भक्त दर्शन जी के नाम से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर भक्त दर्शन जी जो है 5 बार गढ़वाल लोकसभा के सांसद रहे हैं, 4 बार कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और ऐसे नेता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब मैं 60 साल मेरी उम्र हो जाएगी फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बड़े भारी शिक्षाविद रहे हैं और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भक्त दर्शन जी तो कांग्रेस के सांसद थे 4 बार, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई वो शिक्षाविद थे ना, वो कांग्रेस के थे ना वो बीजेपी के, अगर शिक्षाविद थे तो उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। एक बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम लोग अपने विश्वविद्यालयों में संस्कृत, वेद और योग, ये इस सत्र से तीनों सब्जेक्ट हम अनिवार्य रूप से करना चाह रहे हैं और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जोशी जी ने भी हमारा उत्साहवर्धन किया है कि भाई संस्कृत जरूर होनी चाहिए। हमारे कुलपति जी बैठे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के, जैसे संस्कृत का नाम आता है तो 3 ताली बजाते हैं उस समय, तो मुझे लगता है कि संस्कृत के लिए हमारे उत्तराखंड की देवभूमि में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि हमारी जो गढ़वाली और कुमानी लोक भाषा है ये धीरे धीरे हम लोग कठमाली होते जा रहे हैं। कुछ लोग देहरादून आ गए, कुछ लोग हल्द्वानी आ गए, कुछ लोग रुद्रपुर आ गए और कभी कभी लगता है कि जो नेगी जी ने गाया गाना गाया कि मैं देहरादून वाला हूँ, तो हमको गढ़वाली और कुमानी भाषा बोलने में कभी कभी संकोच होता था। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो उत्तराखंड के बच्चे चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं चाहे युवा पीढ़ी है, अगर वो गढ़वाली और कुमानी भाषा सीखना चाहते हैं हर विश्वविद्यालय में एक एक अध्ययन केंद्र गढ़वाली और कुमानी भाषा के होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हमारे इस क्षेत्र में हो रहा है और मैं एक बार फिर अपने महामहिम राज्यपाल जी का एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम पहले महामहिम बोलते थे, उन्होंने आते एक आदेश किया कि अब महामहिम नहीं मुझे माननीय कहा जाएगा। 2-3 बार तो मेरी भी जुबान फिसलती रहती थी लेकिन अब धीरे धीरे आदत बन जाएगी। मैं उनका भी यहाँ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक अच्छी पहल उन्होंने ये काम विकसित की है और विशेषकर मैं अपने विश्वविद्यालय की छात्राओं को एक बार फिर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज जितने मेडल मिले हैं 92% छात्राओं ने बाजी मारी है। एक जो हमारे प्रदेश की छात्राएं हैं पढ़ाई में भी बहुत अव्वल हैं, दौड़ भाग में भी अव्वल हैं और मुझे लगता है कि देश और दुनिया में हमारे छात्र छात्राएं हमारा नाम रोशन करेंगे। जो आज दीक्षा हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय राज्यपाल जी ने दी हैं, इस दीक्षा में हम हमेशा कायम रहें, अपने विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सुधार के लिए अच्छा काम करें। इतनी बात कह के मैं एक बार सिर्फ अपने जोशी जी का, माननीय नयन सिंह नेगी जी का, अपने माननीय राज्यपाल महोदय जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप व्यस्तम समय में हमारे दीक्षांत समारोह में आए।
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय। उत्तराखंड राज्य के जनप्रिय लोकप्रिय और जो बड़ी मजबूती से पिछले 20 महीने से उत्तराखंड को हर दृष्टि से विकास की राह पर अग्रसर कर रहे हैं माननीय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो जनता की राय जरूर लेते हैं। पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करना था, दून विश्वविद्यालय के छात्रों से आपने राय ली, यही कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश और दुनिया में भारत के और उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो विभूतियां हैं, रविवार कार्यक्रम के माध्यम से आपने उनसे राय लेकर के विकास का जो मापदंड आपने तैयार किया, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, और उसी का नतीजा रहा कि पिछले माह इन्वेस्टर्स मीट में हजारों करोड़ रुपये के इन्वेस्टर्स देश और दुनिया से उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे जनप्रिय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी दीक्षांत समारोह में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर एवं सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद। दून विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति और माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, आज जिनका अभी हमने उद्बोधन सुना, हमारे प्रेरणा के स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री, मेरे परम सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कुलपति डॉक्टर नौटियाल जी, आज जिन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया, ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, डीन्स और सभी संकाय के सदस्यगण, इस पंडाल में उपस्थित तमाम महानुभाव, प्रिय छात्र छात्राएं और प्रेस के बंधुओं, मैं पहले बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर धन सिंह जी को, उनकी टीम को, कि उन्होंने विश्वविद्यालयों के दीक्षांत का निर्णय लिया है और पहली बार दून विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है। मैं उन बच्चों को जिनको आज यहाँ पर जिन्होंने मेडल्स लिए हैं, और उनमें दो बालक थे, बाकी सारी बालिकाएं थी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज डॉक्टर साहब को मानद उपाधि दी गई, डॉक्टर साहब के लिए कोई बहुत, मैं समझता हूँ कि उपाधियाँ सम्मानित होती हैं जब ऐसी विभूतियों को हम सम्मानित करते हैं। डॉक्टर साहब राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, साथ ही डॉक्टर साहब ने भारतीय संस्कृति की अतल गहराइयों को भी गहराई से समझा है और उनको सींचने का काम किया है। अगर कभी आपको भारत की संस्कृति पर डॉक्टर साहब के सैकड़ों लेख हैं कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िए। विज्ञान के छात्र हैं, साहित्य के छात्र हैं, या जो अपनी भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उसके समझना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब का जो योगदान है वो हमारी भावी पीढ़ियों को लंबे समय तक ज्ञान प्रदान करता रहेगा। और निश्चित रूप से जब डॉक्टर साहब को आज यहाँ पर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे राज्यवासियों के लिए, केवल विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। जब नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया,
और नेगी जी ने एक बात कही कि मैंने यहाँ के सुख और दुख को अपने गीतों के माध्यम से उसको मैंने पिरोने की कोशिश की, उसको समझने की और समझाने की कोशिश। जब उन्होंने देखे, कई सुख दुख की बातें बहुत होती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको जीता है और उसको बहुत गहराई से समझता है, तो जब उनके मुख से ये शब्द सुने तो मैं तो अचानक इमोशनल सा हो गया कि उनके गीतों में केवल गढ़वाल नहीं बल्कि उत्तराखंड, हमारी बोली भाषा थोड़ा अलग हो सकती है। कहते कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, ये हो सकता है, लेकिन हम अंदर से, हमारी जो चाहे भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, सामाजिक होंगे, सांस्कृतिक होंगी, हम सब अंदर से हम एक जैसा हमारा प्रवेश है, और उस प्रवेश पर जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह नेगी जी ने लिखा है, अब तो डॉक्टर कह सकते हैं, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने जिया है, सच में आज उनको सम्मानित करना ये हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वो स्वस्थ रहें इसकी भी मैं शुभकामना करता हूँ। यहाँ पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, इस विश्वविद्यालय के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, लंबी सोच थी, और आज जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था, देख रहा था और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे विश्वविद्यालय देश का एक जाना माना विश्वविद्यालय होगा, टॉप जो लिस्ट बनेगी उसमें हमारा विश्वविद्यालय होगा। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी शैक्षणिक संस्था, उसके मुखिया पर और वहाँ पर जो शिक्षक हैं उन पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि लैब की कमी हो सकती है, लाइब्रेरी की कमी हो सकती है, उनको एक अच्छा शिक्षक दूर कर सकता है, लेकिन अच्छे शिक्षक की कमी को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। और इसलिए मुझे विश्वास है यहाँ के तमाम अपने जो प्राध्यापक हैं कि थोड़ा बहुत कमियाँ होंगी, राज्य सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो जो छोटी मोटी कमियाँ हैं उनको हम अपने परिश्रम से, अपनी लगन से और अपने संकल्प से हम उसको दूर कर सकेंगे। ऐसी मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सीधा दिल्ली से यहाँ आया और मुझे यहीं से फिर अभी दिल्ली जाना है, 4 बजे मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात है, और इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से भी और महामहिम राज्यपाल जी से भी पहले ही अनुमति ले ली कि मैं यहीं से चला जाऊंगा। और मैं एक बार आप सबको एक बार बहुत शुभकामनाएं देता हूं विश्वविद्यालय के लिए। पिछली बार जब मैं यहां पर आया था तो डॉक्टर साहब से, मेरी नोटियाल साहब से और हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ यहाँ की आवश्यकताएँ बताई थी, तो मैंने कहा उसका प्रोजेक्ट आप एक बनाकर भेज दीजिए, तो मुझे भी उन्होंने बताया कि हमने भेज दिया है। तो विश्वविद्यालय के जो कुछ काम हैं जिनको होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए 5 करोड़ रुपया मैं विश्वविद्यालय के देने के लिए घोषणा कर रहा हूं, और पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुमति भी चाह रहा हूं मंच से, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दून विश्वविद्यालय उनके सपनों का विश्वविद्यालय है, क्योंकि जब 2005 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी उस समय आप इस क्षेत्र के माननीय विधायक थे, विधानसभा में इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे, और आज आपने विश्वविद्यालय के शोध कार्यों के और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है, मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और दीक्षांत उद्बोधन के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी को दीक्षांत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ।
मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली जरूरी काम था चले गए हैं, लेकिन आपके उच्च शिक्षा मंत्री जिनका भाव कि हमारे सभी विश्वविद्यालय कैसे उन ऊंचाइयों को छुएं, हमारे विद्यार्थी शोध करके अपने उत्तराखंड को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं, ऐसे श्री धन सिंह रावत जी हम सबके लिए प्रेरणा देने वाले आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जिनको अभी हमने मानद उपाधि दी है, उत्तराखंडी गीतों के माध्यम से उनके भावों को प्रस्तुत करने वाले गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, इस दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सी एस नोटियाल, उपस्थित गणमान्य बंधुओं, छात्र छात्राओं, अभिभावकगण और छायाकार बंधुओं, दून विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह आज जो हो रहा है निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक आयोजन है। यह ऐतिहासिक आयोजन इसलिए है कि हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को मानद उपाधि दी है जिन्होंने हर क्षेत्र में साहित्य से लेके विज्ञान तक अपना ज्ञान बांटा है, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी के रूप में ये दून विश्वविद्यालय आज बहुत ही गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड और आचार्य द्रोण की तप स्थली देहरादून में स्थित होने के कारण विश्वविद्यालय पहले से ही विशेष था और हमने दो दो महान विभूतियों को मानद उपाधि देके इसे और इसकी गरिमा बढ़ा दी है। आदरणीय जोशी जी ने केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में जब कार्य किया उस समय मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी और आपके ही निर्देशन में एक 3 साल का मेरा सफल कार्यकाल रहा। मैं ऐसे जोशी जी को आज नमन कर रही हूँ। ये हम सब का और इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि आज जैसी विभूतियों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने मानद उपाधि स्वीकार कर इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। आज दीक्षांत समारोह में उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई, खासकर बेटियों को बहुत बहुत बधाई। मैं देख रही थी कि केवल 2 ही छात्र थे, बाकी तो सब छात्राएं हैं, आज गोल्ड मेडल ली हैं। मैं दिल से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों के जीवन को तराशने और साधने में शिक्षकों तथा माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों की सफलता की अगर सजीव छवि देखनी है तो या तो वो उनके माता पिता की आंखों में दिखाई देगी या उनके गुरुजनों की आंखों में। वो जिसे कच्चे मटके को कहते हैं ना, घड़े को तराश के एक अच्छा रूप दे देते हैं, ऐसे यहाँ के दून के हमारे सभी गुरुजन आप लोगों के कर रहे हैं और आपको आज इस योग्य बना दिया कि आप मेडल, गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं। प्रथम दीक्षांत के अवसर पर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद, सभा एवं अकादमिक परिषद तथा समस्त विश्वविद्यालय परिसर के बंधुओं को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। दून घाटी का महत्व आदिकाल से ही शिक्षा केंद्र के रूप में रहा है। यह महान योद्धा एवं आचार्य गुरु द्रोणाचार्य की तप स्थली है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि कभी द्रोणाचार्य जी ने इसी स्थान पर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे अपने महान शिष्यों को प्रशिक्षण दिया था।
अपनी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए देहरादून ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। दून विश्वविद्यालय की स्थापना की पृष्ठभूमि में यही विशिष्ट सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा हेतु एक उत्कृष्ट संस्थान की कमी को दूर करने के लिए दून विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्थापना के इन प्रारंभिक वर्षों में दून विश्वविद्यालय ने एक सदी हुई शुरुआत की है। मेरी अपेक्षा है कि यह विश्वविद्यालय देश के शीर्षस्थ संस्थानों में से एक बने। इसके लिए इस यूनिवर्सिटी को शोध तथा अभिनव प्रयोगों पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षकों को नूतन और मौलिक सोच वाला होना पड़ेगा। आज के युग में पठन पाठन के तौर तरीकों में भी बदलाव लाना होगा और इसके साथ शिक्षकों को अपडेट रहना भी होगा। समाज की आवश्यकता के अनुरूप शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा समग्र विकास के लिए नीति निर्माण में सहायता देना विश्वविद्यालय की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सदैव कहती हूँ कि विश्वविद्यालय मात्र डिग्री देने वाले संस्थान नहीं है। विश्वविद्यालयों की समाज एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे क्षमतावान परंतु युवा राज्य के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को कई महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। लोक कल्याण तथा सुशासन हेतु नीतियों का निर्माण एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें यह विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की एक स्थापना की गई है। यहाँ डॉक्टर नित्यानंद शोध केंद्र भी प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड राज्य का अपना एक विशिष्ट भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है। इस विशेषता को पहचान कर यहाँ की महिलाओं युवाओं किसानों के समग्र विकास की नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। एक क्षेत्र विशेष की योजना दूसरे क्षेत्र में लाभदायक हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ सेक्टर आधारित नीतियों की अधिक आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन शोध को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड राज्य का 70% से भी अधिक भूभाग वन क्षेत्र है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे विश्व में आज ग्लोबल वार्मिंग तथा वायु प्रदूषण होने के कारण उसे रोकने के लिए जैविक ईंधन की सहमति बनी है। इसीलिए विश्व भर में 2050 तक कोयले का प्रयोग बंद करने की सीमा तय कर दी गई है। भारत ने विश्व पटल पर जैव ईंधन पर आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। अभी कुछ दिन पूर्व देहरादून में ही जैव ईंधन का सफल प्रयोग हुआ। जैव ईंधन के द्वारा हवाई जहाज ने देहरादून से दिल्ली तक की यात्रा की। हमारे विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यवहारिक शोध एवं अनुसंधानों पर अपनी क्षमता को केंद्रित करना होगा। हमारे देश ने सौर ऊर्जा के विकास में भी अच्छी प्रगति की है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आई है। सौर ऊर्जा सहित सभी अच्छे ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी सस्ती तथा जन सुलभ तकनीकी का विकास समय की मांग है। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ग्रीन बिल्डिंग भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। मैं हमेशा सभी विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों से अनुरोध करती हूँ कि अपने भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित करें। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर अपनी विद्युत आवश्यकता हेतु आत्मनिर्भर बने। वर्षा जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाएं। विद्यार्थियों आप आज से अपना प्रोफेशनल करियर प्रारंभ करेंगे और कई कर चुके भी होंगे।
अपनी भविष्य की योजना भी आप लोग बना रहे होंगे। मैं आप सभी को आपके प्रयासों की सफलता हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यह 21वीं सदी विज्ञान और तकनीकी की सदी है। वैज्ञानिक विकास और जीवन शैली के मध्य संतुलन अति आवश्यक है। सफल जीवन के लिए आत्मचेतना का विकास आवश्यक है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ आएंगी। महात्मा बुद्ध ने भी दुख को जीवन के प्रथम सत्य के रूप में स्वीकारा था। उसी प्रकार आप लोग भी अपने ज्ञान और संस्कारों के द्वारा अपने जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों और अनुभवों का उपयोग आप सभी को अपनी मानसिक और आत्मिक चेतना के विकास में सहायक सिद्ध होगा। कहते हैं ना कि हथौड़े की चोट खाकर एक सुंदर पत्थर भी सुंदर मूर्ति का रूप ले सकता है। यह दीक्षांत भी आज वही है कि परिस्थितियों के दास बनने के स्थान पर स्वामी बनने का प्रयास करिए। सत्य, न्याय, करुणा और सहनशीलता पर चल के अपने व्यक्तित्व को निखारो। शास्त्रों में भी कहा गया है, सा विद्या या मुक्ति है। विद्या का मूल्य उद्देश्य मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करना है। बंधनों में बंधा मनुष्य कभी भी स्वयं, समाज और राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। आप अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने धर्म के पालन के लिए भी करिए। धर्म ही हमें दूसरों की भलाई करना सिखाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेंगे। बच्चों, मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, वहाँ अपने प्रगति के, अपनी दक्षता के, अपना जो कैलेवर है उसके झंडे गाड़ें और इस उत्तराखंड का नाम ऊंचा करें, अपने अभिभावकों का नाम ऊंचा करें। और जैसा अभी आदरणीय जोशी जी भी चाहते हैं और आपके उच्च शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि उत्तराखंड का हर विश्वविद्यालय ऐसा एक विश्वविद्यालय बने जहाँ से छात्र पढ़ के निकलें तो वो हर क्षेत्र में देश के और समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय, आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से विश्वेश्वर केदारनाथ का सुप्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह। पुनः आपसे निवेदन है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। साथ ही डॉक्टर नरेंद्र सिंह नेगी जी को, जिन्हें मानद उपाधि से माननीय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा अलंकृत किया गया, दोनों विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति धन्यवाद। और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय, मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे माननीय कुलपति महोदय से दून विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के समापन हेतु निवेदन करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, दीक्षांत समारोह के समापन के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं दून विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। मैं दून विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर मंगल सिंह मंद्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। दून विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में
मैं माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रथम दीक्षांत समारोह की स्वीकृति देते हुए एवं मुख्य अतिथि का निमंत्रण स्वीकार कर विश्वविद्यालय में अपना अधिक समय देकर मेधावी छात्र छात्राओं को अपना आशीष वचन दिया। मैडम, दून विश्वविद्यालय आपको धन्यवाद व्यक्त करता है। शासकीय कार्यों में अधिक व्यस्त होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आने के लिए अपनी सहमति दी एवं दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को अभिप्रेरक वचन दिया। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दून विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कराने की प्रेरणा दी। जिन विशिष्ट महानुभावों को मानद उपाधि दी गई है उनकी समय समय पर आप जानकारी लेते रहे तथा जहां पर आवश्यक हुआ आपने पत्र लिखे। विश्वविद्यालय अधिकारियों के समय समय पर इस आयोजन की प्रगति की जानकारी आप लेते रहे तथा विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह कराने के लिए अभिप्रेरित करते रहे। मैं माननीय संसद सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि से नवाजे जाने पर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। साथ ही उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय प्रथम दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि से नवाजे जाने पर हमें तथा राज्य को गौरवान्वित किया। उपस्थित माननीय विधायकगणों, विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों, उपस्थित सभी शिक्षाविदों, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी धारकों एवं स्वर्ण पदक से नवाजे गए समस्त छात्र छात्राओं का इस दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मैं दून विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर सी एस नोटियाल जी का आभार व्यक्त करता हूं जिनके नेतृत्व में यह समारोह हो रहा है। मैं विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समारोह में आने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया तथा समारोह में उपस्थित हुए। मैं दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए बनाई गई समस्त समितियों के सदस्यों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, विश्वविद्यालय छात्र परिषद के सभी पदधारकों, अपने सभी छात्र छात्राओं, समस्त कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, कल्चरल कमेटी की पूरी टीम को तथा इस पूरे कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए स्कूल ऑफ मीडिया एवं कम्युनिकेशन स्टडीज़ की पूरी टीम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए आए हुए समस्त मीडिया कर्मियों, समारोह में आए हुए अभिभावकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सभी अतिथियों से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथियों से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार खड़े रहेंगे जब तक शोभा यात्रा कुलाधिपति महोदय के नेतृत्व में सभागार से प्रस्थान न कर जाए। कुलाधिपति महोदय सबसे आगे, उनके पीछे मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले अतिथिद्वय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, कुलपति महोदय, उनके पीछे संकायाध्यक्ष, कोर्ट के सदस्यगण और अंत में विश्वविद्यालय के विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण और सबसे पीछे विश्वविद्यालय के कुल सचिव। कृपया अपने स्थान पर बने रहें, अनाउंसमेंट की आवश्यकता नहीं थी। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कृपया मार्ग वही है।
सभी अतिथियों से मेरा पुनः निवेदन है कि कृपया किसी प्रकार का आवागमन इस दौरान न करें जब तक शोभा यात्रा पूरी तरह से सभा कक्ष से बाहर न चले जाए। माननीय कुलाधिपति महोदय के पीछे विश्वविद्यालय के कोर्ट के माननीय सदस्यगण, माननीय विधायक टिहरी श्रीमान धन सिंह नेगी जी, श्रीमान आर डी आनंद साहब, श्रीमान के एस ढींढसा साहब, प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम जी, प्रोफेसर एच एस धामी साहब, प्रोफेसर एस पी सिंह साहब, प्रोफेसर डी एस नेगी साहब, विश्वविद्यालय के विभिन्न समितियों के माननीय सदस्यगण, अंत में विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण और अंत में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर धन सिंह मंगल सिंह मंद्रवाल जी, सभी अतिथियों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था माननीय कुलपति महोदय के द्वारा की गई है। सभी अतिथि मंच के दाहिनी ओर और हमारे उपाधि प्राप्तकर्ता छात्र छात्राएं पत्रकार बंधुओं के लिए बाईं ओर व्यवस्था की गई है। मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने दून विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक बनाने का कार्य किया। सभी अतिथि माननीय कुलपति महोदय, माननीय विधायकगण, माननीय अजय भट्ट जी दोपहर के भोज के लिए आमंत्रित हैं और हमारे विद्यार्थी मंच के बाईं ओर पत्रकार बंधुओं के लिए भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था बाईं ओर की गई है। उपाधि प्राप्तकर्ता, उनके अभिभावक, स्वर्ण पदक विजेता, हमारे पत्रकार बंधु, विश्वविद्यालय परिवार के हमारे छात्र छात्र परिषद के सामान्य सदस्यगण मंच के बाईं ओर और बाकी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि मंच के दाहिनी ओर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित हैं। इसी के साथ दून विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह संपन्न होता है। सभी के प्रति एक बार विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।